हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी बजे हैं शाम के 5 और हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस से बाहर की तरफ। और कैमरा मैंने इसलिए फिर से ऑन कर दिया बिकॉज नमस्कार भैया, क्योंकि घर जा ही रहे हैं तो फिर से टेस्टिंग कर लेते हैं, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट, फाइनल एक्सपेरिमेंट और किया है। बिकॉज मैंने ये जो कैमरा है इसके चिन को कवर कर दिया है सेलो टेप से, तो मे बी अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। अगर अब भी क्लियर नहीं आती तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है अब इसका, हमें फिर हेलमेट ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज माइक तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। सो ये फाइनल टेस्टिंग हो रही है, और अगर वॉइस एकदम क्लियर रिकॉर्ड हुई तो ये वीडियो हम डाल देंगे, अगर नहीं हुई तो फिर रख लेंगे अपने पास, क्या करें। और ये बड़ा खतरा होता है एकदम से गाय बैल जब रोड पे आ जाते हैं। और अभी मौसम 5 बजे काफ़ी लवली लवली होने लग गया है, बिकॉज अब वो गर्म हवाएं नहीं लगती हैं, वो गर्म लू नहीं लगती हैं, तो अच्छा लग रहा है। और परफेक्ट वेदर राइडिंग के लिए यही है सितंबर अक्टूबर, बिकॉज नवंबर में फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फिर आपको बहुत सारे गियर्स पहनने पड़ते हैं, जैकेट वगैरह डालो, ग्लव्स वगैरह पहनो, तो वो राइड करने में भी मज़ा नहीं आता है। या तो प्रॉपर अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट राइड पे फिर बाइक निकालने का मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये वेदर एकदम सूटेबल है व्लॉगिंग के हिसाब से और राइडिंग के हिसाब से। तो आइए हम चलते हैं और थोड़ा सा फील लेते हैं। मैं स्पीड अप करता हूँ बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो स्पीड पे ही आ रही थी, तो अभी मैं 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे हूँ। आई होप, बस फिंगर्स क्रॉस्ड यार, वॉइस रिकॉर्ड हो रही हो, प्रॉपर हो रही हो, बस थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। बाकी मैं खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज बहुत ऑलरेडी खर्चा हो गया है। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप थोड़ा बहुत अचीव ना कर लो, आपको इन्वेस्ट ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, फिर आपको दुख हो उस चीज़ का। तो मैं इनिशियल लेवल पे जितना बेसिक ज़रूरत है उतना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एटलीस्ट सीख सकूँ, लर्न कर सकूँ, एक्सपीरियंस कर सकूँ। और अगर सक्सेस मिली, अगर आप लोगों को पसंद आए, तो फिर हम बनाएंगे बहुत सारे मोटो व्लॉग। और बहुत सारी मेरी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे मेरे एक्सपेक्टेशन हैं, खुद से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मैं वो ज़रूर करूँगा एक दिन, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा। सो गाइज, आज है थर्सडे यानी कि 1 अक्टूबर, और कल है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो कल की ऑफिस की छुट्टी है, और उसके बाद फिर सैटरडे है, फिर संडे है, तो एक ये लॉन्ग वीकेंड है। और मतलब लॉन्ग वीकेंड काफ़ी टाइम बाद मिला है, और जनरली नहीं मिलता है ऑफिस वालों को, स्टूडेंट्स को, मतलब ये वीकेंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लान बन नहीं पाया। मैं प्लान तो बहुत दिनों से कर रहा था, और मेरा बिल्कुल मन था कि मैं कुछ ट्रिप वगैरह करूँ या फिर राइड वगैरह करूँ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि रियांश की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, अभी भी मतलब 100% तो फिट नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। उसको काफ़ी बुखार आ गया था तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, और रियांश के बिना अभी मैं मोना को लेके अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। पहले छोटा था तो वो रह जाता था किसी पर, लेकिन अब वो समझता है तो उसको घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अभी हम कोई भी ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं। और तो जो दूसरा कारण है वो ये है कि मंडे को एक मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो उसकी मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, तो सैटरडे मुझे ऑफिस आना पड़ेगा। तो इन 2 कारण की वजह से ये वीकेंड मैंने स्किप कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वीडियोस नहीं आएंगे या फिर आपके लिए राइड्स नहीं आएंगी। राइड्स आएंगी, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए आपको शॉर्ट राइड्स मिलेंगी जिनको मैं एक दिन में कवर करूँगा, सुबह से शाम में कवर करूँगा चीज़ों को। और फिर जैसे ही ये मंथ एंड होगा या फिर सेकेंड लास्ट वीकेंड पे हम कुछ लंबा प्लान करेंगे, और होपफुली आने वाले महीनों में आपको अच्छी अच्छी ट्रिप, अच्छे अच्छे राइड्स आपको देंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप भी एक्साइटेड रहिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस मैं देने वाला हूँ।
नॉर्मल व्लॉगिंग से हट के अब हम आ गए हैं मोटो व्लॉगिंग पे। मतलब वो व्लॉगिंग भी हमारी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो व्लॉगिंग हम बंद कर रहे हैं। आपको दोनों तरह के वीडियोस मिलेंगे, नॉर्मल वीडियोस, मोटो व्लॉग्स, दोनों वीडियोस, तो आप भरपूर इंजॉय कर पाएंगे। और मैं अभी अकेला हूँ, मेरे साथ सुबह सीपी आया था ऑफिस के लिए, लेकिन अभी मैं अकेला जा रहा हूँ बिकॉज आज वीकेंड है और हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने ऑफिस कलीग्स की एक गेट टुगेदर, थोड़ी सी हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहीं मथुरा में ही, तो कहीं बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं अभी मथुरा, कहीं देखते हैं। अभी लोकेशन मुझे पता नहीं क्या फ़ाइनल करनी है, वो सारी ज़िम्मेदारी फैजुल भाई की है, तो फैजुल भाई करेंगे, बस लोकेशन आएगी वहाँ हम पहुँच जाएँगे। तो इसलिए मैं अकेला राइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात दो तीन दिन से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ मतलब आप सब लोग हैं, और बिल्कुल वही फील आ रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बड़ा सोच समझ के, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग वाला एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग अनुभव है मेरे लिए, लेकिन मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सच में। सो गाइस, फाइनली आफ्टर राइडिंग 15 मिनट्स आई हैव रीच्ड मथुरा, सो स्ट्रेट टुवर्ड्स माई होम, बट टुडे वी आर गोइंग टू मथुरा सिटी बिकॉज आज पाची है हमारी, पाची है, तो वी विल गो टुवर्ड्स द मथुरा सिटी। सो देखते हैं क्या हाल है शहर का, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं गया हूँ। सो अभी हम कृष्णा नगर मार्केट की तरफ जाएंगे, गोवर्धन चाय से लेफ्ट लेके, सो लेट्स गो। बच्चे बच्चे बच्चे, बाल बाल बच्चे, कभी कभी जोश सा आ जाता है ना, ये बाइक एक तो ऐसी है ना, रॉयल एनफील्ड बुलेट जो लोग चलाते हैं, मतलब कभी कभी पिकअप सा बन जाता है, तान सी आ जाती है, तो बस ऐसा लगता है कि खींच दो एक्सेलेटर, लेकिन ना बाबा ना, कैमरा लगा है आपके फेस पे, ठोगे अलग, पिटोगे अलग, और रिकॉर्ड और होगा हर चीज़, सो ना ऐसी गलती नहीं करेंगे अब हम। चलो रे बाबा, चलो चलो, मथुरा की 90% गाड़ियों के ऊपर आपको राधे राधे लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे, राधे राधे, मतलब इतना मीठा है ना ये, क्या मतलब पिघल जाता है आदमी सुन के। मैडम बीच रोड पे खड़ी हुई है, महिलाओं को कौन समझाए। खैर, सो दिस इज कृष्णा नगर मार्केट, द मेन मार्केट ऑफ मथुरा, सारे शोरूम, सारे जितने भी आउटलेट्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, छोटे मोटे मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको, बाकी मथुरा में कुछ नहीं है रे बाबा। ये इकलौता मार्केट है जो ठीक ठाक सा है, बाकी फिर होली गेट में तो फंसे रह जाओगे जाओगे तो। ये है राहुल बेकर्स की शॉप, बहुत ही फेमस बेकरी शॉप है, और यहाँ के केक्स आए हाय, मतलब मुँह में पानी आ जाता जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और जब भी मैं केक परचेज़ करता हूँ तो मैं यहीं आता हूँ स्पेशली, बिकॉज एक नंबर अनबीटेबल। बट यहाँ पे एक ही समस्या मुझे जो लगती है कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा दिक्कत है, और यहाँ कार लेके आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं मिलती गाड़ी पार्क करने की। खैर, आज तो अपन बाइक्स हैं और आज हमें कहीं रुकना भी नहीं है, सो ऑल वेल, गुड टू गो। भैया हटो, कई दिनों से हमारी बुलेट सोच रही है, अरे भैया अच्छा हुआ जो आपने व्लॉगिंग शुरू कर दिए, नहीं हमारी तो मट्टी ख़राब हो गई थी घर पे पड़े पड़े, आप व्लॉगिंग की वजह से हमें पूछ तो रहे हो, पहुँच तो रहे हो, चला तो रहे हो, धो तो रहे हो। सच में बुलेट यही सोच रही होगी, वरना जब से मैंने ब्रीज़ा खरीदी है पिछले 1.5 साल से, मैं सब जगह ब्रीज़ा से ही जा रहा हूँ, और बुलेट बिल्कुल खड़ी हुई थी, और इसकी लास्ट सर्विस भी मैंने पिछले साल कराई थी, उसके बाद सोचो आप ये 3,000 किलोमीटर भी नहीं चली है, और मैंने अपनी ब्रीज़ा ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चला दी है पिछले 1.5 साल में, मतलब कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है मैंने बाई कार, मज़ा आता है। लेकिन अब अपने खर्चा कैरी दिया है तो
हमें बाइक भी चलानी पड़ेगी, राइड करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपको भी तो निराश नहीं कर सकते हम, क्या करें। चलो रे चलो मितवा, जूनी जूनी रहो मैं, तो गाना मेरे को याद नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू गुनगुनाइंग दिस सॉन्ग। सो गाइस अभी हम हैं भूतेश्वर चौराहे पे और फैजुल भाई ने हमें बुलाया डैम्पियर नगर, तो पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप 2-3 दिन से मेरे मोटो व्लॉग्स देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूस आपने देखे हैं तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। एक तो इसका वाइड एंगल, मतलब सुपर व्यू जिसको बोलते हैं, बहुत लंबा वाइड कैप्चर करता है ये, मतलब एकदम सिनेमैटिक लुक देता है। बहुत अच्छे कलर्स हैं, मतलब आप सोचिए जो भी आप ये कलर्स देख रहे हैं, इनमें कोई कलर ट्यूनिंग या फिर मैंने एडिटिंग नहीं की है, ये नॉर्मल गोप्रो कलर्स हैं। और दूसरी चीज़ इसका स्टेबलाइजेशन, मतलब आप सोचो गड्ढों में या मैं इन ब्रेकर्स पे से निकल रहा हूँ, बाइक लिटरली कूद रही है, लेकिन जो फुटेज है वो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्टेबल है, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो में, तो इसी बात के पैसे हैं बस, समझ गए ना आप, बस इसी बात के पैसे हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो लोग यूट्यूबर्स हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं जो या फिर सोच रहे हैं यूट्यूब पे आने की, मैं एक चीज़ तो इन 3 दिन के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, कि मोटो व्लॉगिंग इज़ वेरी इजी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल व्लॉगिंग। बिकॉज नॉर्मल व्लॉगिंग में आपको कंटेंट रेडी करना पड़ता है, आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, आपको लाइटिंग चाहिए प्रॉपर, है ना, आपको पूरा सेटअप इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मेन तो है कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके लिए आपको पब्लिक के बीच में, अभी मैं इतने सारे लोगों के बीच में चल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता अपन क्या कर रहा है इस हेलमेट के अंदर। सो ये बहुत ही एक ईजी पॉइंट है, और आप रोड पे चलते चलते रोड के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से व्लॉग कर सकते हैं, तो कॉन्टेंट बनाना मतलब इन कंपेरिजन टू बहुत ज़्यादा ईजी है, और आप बहुत जल्दी बहुत लंबा कंटेंट बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं GLA से चला हूँ, सिर्फ मैंने 20 या 25 मिनट राइड किया और मेरा ऑलमोस्ट व्लॉग भी इतना ही मिनट का हो गया होगा, बिकॉज मैं कॉन्टिन्यूस बोले जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही हैं मेरे, सो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो एक ये प्लस पॉइंट है, तो आप सोच सकते हैं मोटो व्लॉगिंग इज़ ईजी। लेकिन मोटो व्लॉगिंग ईजी है अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं, छोटी राइड्स कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जो मोटो व्लॉगर्स हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर वो कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे हैं, मैं बिल्कुल वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। मोटो व्लॉगर्स बहुत मेहनत करते हैं, और जो ऑल इंडिया राइड्स कर रहे हैं या फिर लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वाइल राइडिंग दी बाइक कंटेंट बनाना इज़ लिटिल इजी इन कंपैरिजन टू दैट नॉर्मल व्लॉगिंग, जो हम कैमरा सेटअप लेके अपना करते हैं उस, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस एंड डोंट फाइट मी ऑन दिस एंड डोंट राइट एनी रॉन्ग और बैड कमेंट ऑन माई वीडियो, सो इट्स माई रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच। सो अभी बस मैं डैम्पियर पहुँचने वाला हूँ, तो आई होप कि सब कुछ अच्छा गया होगा, आपको मज़ा आया होगा। और इस व्लॉग की एक और खासियत है कि मैं अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा, ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, सो ये व्लॉग ऐसे ही शुरू आता और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ लाइक करके चले जाना, जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आपसे फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, फिर किसी नई राइड पे, और फिर मिलेंगे हम चलते चलते। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट स्टे हैप्पी एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। बाय बाय।